हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तेजस वीटा बायो प्रोडक्ट्स एंड उद्यान डेवलपर्स चैनल। अब जैसा कि गर्मियाँ आ रही हैं, ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी हैं, अपना मिड मार्च के आसपास हम लोग पहुँच रहे हैं। तो अब हम लोग समर्स बल्ब्स जैसे फुटबॉल लिली है या काला लिली है या ट्यूब रोज़ है और सनफ्लावर्स, इस तरीके के समर्स के प्लांट हम लगा रहे हैं। अब तो मैं आपको आज ट्यूब रोज़ रजनीगंधा को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका सिंपल आपको मैं मेथड दिखाता हूँ। ये मेरा करीब 2-3 साल पुराने रजनीगंधा के बल्ब्स हैं, जो मैंने जब ऑफ सीजन होता है तो मैं एक ही पॉट में लगा के सबको छोड़ देता हूँ। तो आप देखेंगे ये काफी अभी डोरमेंसी में था, अब इसका टाइम आ रहा है फिर से ये निकलेंगे। इसके लिए मैंने एक पॉट में लगा रखा है। तो अब मैं इसको, अब आप देखेंगे कि मैं ये इसको पूरा धीरे से ठोक करके मैं ये देखिए पूरा इस तरीके से ट्यूब रोज को निकाल लूंगा। अब आप इसमें देखेंगे कि छोटे छोटे कई सारे बल्ब्स आ गए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, इनको आप सावधानी से एक एक करके आप अलग कर सकते हैं। ये देखिए कितने सारे इसमें बल्ब्स हैं, ये सब आप एक एक करके अलग कर सकते हैं। जिन भाई लोगों ने या फ्रेंड्स ने अभी तक नहीं लगाया है इनको, तो आप एक बार नर्सरी से ला सकते हैं इनके बल्ब्स और इसको आप लगाइए। ये अपने आप ही मल्टीप्लाई होते जाते हैं, बस आपको जरूरत है इनकी रिपोर्टिंग की। इसमें देखिए कितने सारे बल्ब्स आपको एक ही ट्यूब रोज में निकल आएंगे, जो आपकी पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से आप सारे बल्ब्स आपको निकाल लेने हैं अपने, और आप एक फ्रेश पॉट में सॉयल लेके, जैसे आपका ये बल्ब है देखिए, आप मेरा ये, अब मैं फ्रेश पॉट में इसको अभी पॉट कर दे रहा हूँ। इस तरीके से आप ये सारे बल्ब्स, आप जितने भी हैं, आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एक रजनीगंधा या ट्यूब रोज के बल्ब से कम 100 ऑफ या 150 आप बल्ब्स बना सकते हैं और अपने पूरे गार्डन में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से ट्राई करिए। अगर आपके पास इस सीजन में नहीं आए हैं, तो आप, अगर आप इस सीजन में लगाते हैं, तो अगले सीजन में आपके पास इतने ही सारे बल्ब्स होंगे। तो आपको जरूरत बस ये है कि आप उखाड़ के फेंकी नहीं, उनको एक जगह कलेक्ट करके एक बिगर पॉट में लगा दे, जिससे कि जब समर्स आए दोबारा, तो आप जब रिपोर्टिंग करें तो वो इस तरीके से मल्टीप्लाई हो सके। और आप इनको अलग अलग पॉट में लगा सकते हैं या अपने फ्रेंड्स को भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।